सो गाइस अभी भी यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है, देख सकते हो आप, पूरी पीछे तक लाइन लगी हुई है। अरे मम्मी यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है, और देखो आपको लाइन दिखाती हूँ, पूरी पीछे तक आपको लाइन दिख रही होगी। अभी आप ये देख सकते हो लाइन कितने पीछे तक लगी, यार मुझे खुद भी नहीं दिख रही लाइन कहाँ तक लगी हुई है। हम सही टाइम पे आ गए, और आज यहाँ पे लगेगा मेला, तो देखो सारी तैयारी व्यारी चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे भैया क्या बेच रहे हैं, मम्मी कह रही भांगला भी है, कौन सा है पर मेरे को खुद भी नहीं पता। सारी है मंदिर के बाहर बेलपत्री वगैरह, तो अभी चलते हैं घर, चला हमें। और देखो अक्षर को लेके आएंगे तो सारी गाड़ी उठा लेगा यहाँ से, ये देख सकते हो तो यहाँ से दिखेगी लाइन कहाँ तक लगी हुई है लाइन। और यार मेरा ड्रैगन झूला नहीं है, नहीं नहीं लग गया लग गया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब, आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो हम भी एकदम वेल एंड गुड हैं। सो गाइस सबसे पहले आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि, शिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बताओ जल्दी किस किस का व्रत है, जिस दिन मेरा व्रत रहता है ना उस दिन मैं सबको पूछूंगी किस किस का फास्ट है। सो गाइस अभी मैं कर रही हूँ फ्रूट कट, अभी खाएंगे हम अनार क्योंकि आज हम सबका फास्ट है। हम सबका घर में है ही कितने, मम्मी पापा और मैं, अक्षु, अक्षु को तो कहाँ फास्ट रखेगा अभी, तो अभी हम तीनों को फास्ट है। तो बस अभी हम, वाओ कितना अच्छा लगेगा ना, सुबह से हमने कुछ नहीं बनाया तो बस मंदिर तो हम सुबह सुबह चले गए थे, और मंदिर में तो आप लोगों ने देख ही ली थी, हम सही टाइम पे गए, मतलब जब वहाँ पे भीड़ नहीं, भीड़ मतलब हमसे पहले सिर्फ 5-6 लोग थे, बट भाई साहब जो हमारे पास जो लाइन लगी ना, मैंने कहा हम सही टाइम पे आए एकदम। तो अभी देखते हैं गाइस मेला भी लगा है, छोटा सा ही मेला है वैसे तो, मतलब बड़ा मेला जो लगता है वो ऋषिकेश IDPL में लगता है। तो अभी देखते हैं अगर यहाँ पे जाएंगे, जाने का मन तो है, मतलब जाने का मन, झूला खेलना है मुझे ड्रैगन वाला झूला, तो देखते हैं अगर कोई साथ का होगा, क्योंकि रीनू भी यहाँ पे घर पे नहीं है, मौसी के यहाँ जा रखी है, अगर मेरे साथ का होगा तो जाएंगे मेले में और थोड़ा सा घूम फिर के आ जाएंगे, झूला खेल के आएंगे झूला। और गाइस मम्मी ने इसमें किया है ये तर्ड बॉयल, ये देख सकते हो आप पक्की किया हुआ, ये पूरा ना एक ही तर्ड था, इतना बड़ा तर्ड भी होता वैसे पक्की किया होगा, ये थोड़ा तो ऐसा रहा पक गया होगा। हमारे यहाँ पे ना स्पेशल मतलब शिवरात्रि के दिन जैसे ये तर्ड बनता है, कद्दू का रायता तो नहीं बोलते वैसे, रैठा बोलते हैं उसको, बट चलो कोई नहीं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मतलब पता नहीं क्यों मुझे क्यों अच्छा लगता है। बस ये बनाएंगे अभी, और भी मम्मी गई है हरी सब्जी लेने के लिए, मतलब हरी सब्जी बनती है, और जैसे या तो तोरी वगैरह बना दी, मतलब कुछ भी हरी सब्जी बनाती है। अभी मम्मी गई है तोरी लेने के लिए, आंटी ने बोला यहाँ से तोरी, यहाँ से हरी सब्जी ले लो, तो बस और देखते हैं आज क्या क्या बनाना है। दादी सो गाइस अभी हम जा रहे हैं मेला देखने के लिए, मुझे इतनी जल्दी जाना नहीं था, बट मुझे लक्ष्मी की वजह से जाना पड़ रहा है इस धूप में। अरे मैम दिखी हो ना, वो छोटे से तो छने अजवन जन वक्त बड़ू लग दो IDPL वक्त ठीक रहो दो सुबेर के, अभी तब बच्चों को कब जाने आ रही हूँ घर, हमारी वीडियो तब घूमने में मजा आता ना, जैसे बड़ा मेला और छोटे मेले में मजा नहीं आता। अरे अब तो वीडियो डिलीट कर दे। तो गाइस आप यहाँ से देख सकते हो पूरी मेले की रौनक, ये देखो आप, अरे की माठ से के लड्डू जरूर मिलते हैं शिवरात्रि में। अभी दिखाएंगे झूला, अक्षर झूला खेलने, ये देखो यहाँ पे बर्तन भी मिल रहे हैं, और अक्षु को चाहिए अभी कार, तो देखते हैं अभी ये वाला झूला खेलोगे, अक्षु को भेजती हूँ झूले के अंदर, ये वाला खेलोगे। नहीं मेरे को मजा, यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे वाला गेम खेल रहे हैं, और मैं अक्षु को कह रही हूँ अक्षु को जाना है, अक्षु आपको जाना है,
नहीं जाना बुआ, मेरे को जाना। सारे तो बच्चों के झूले यहाँ पे, बड़ों के झूले। भाई हमारे लिए क्या है? सो गाइस, ये दो झूले हमारे लायक है, लेकिन ये दो बच्चे हमारे साथ है ना, दो तीन बच्चे, इनके साथ कैसा खेला जाए। और गाइस मैंने फिर से अक्षु के लिए कार ले ली है, क्योंकि अक्षु ने पूरे मेले में घूमा। कार चाहिए, कार चाहिए, कार दिखाओ अपनी, दिखाओ। और एक इस बंदर ने लिया है, क्या लिया तूने? ये है किस काम का? ये त्रिशूल चाहिए इसको। अक्षु अपनी कार दिखाओ। सो गाइस अभी मम्मी के लिए बनाएंगे बनाना शेक। ये रहा मिल्क, इसमें डाल दी है मैंने एक चम्मच चीनी, या थोड़ी और डाल देती हूँ। वैसे मम्मी व्रत रखती नहीं है, क्योंकि बीपी का टेंशन रहता है ना, तो इसीलिए। बट ये कि चलो थोड़ा कुछ हेल्दी हेल्दी खाया जाए। ये ले लिया मैंने एक गिलास दूध। ऐसे मुझे बनाना शेक अच्छा नहीं लगता है, पापा ने बोला मुझे भी नहीं पीना, सिर्फ मम्मी के लिए बना रही हूँ। और इसमें डाल देते हैं थोड़ा बादाम। ये गाइस बादाम शेक रेडी हो गया है। होटल खोल दी थी मैं एक, मुझे सो लगता है। बस इसको मिक्स करना पड़ेगा क्या पहले? सो गाइस अभी हो गया है खाना बनाने का टाइम, और तर्ड मैंने यहाँ पे बना दिए, मतलब बनाया मैंने लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि उसमें ना अच्छा टेस्ट आता है। और बाकी मैंने इसमें रख दिए हैं, और ये मैंने थोड़ा थोड़ा बना रहे हैं, क्योंकि बगल में जिनकी शादी हुई थी वहाँ पे है कथा, तो उन्होंने हमें खाने पे इनवाइट किया है, सबको इनवाइट किया है। तो फिर मम्मी ने कहा कि थोड़ा थोड़ा बना देते हैं, मतलब भोग के लिए, और मतलब वो है कि अपना व्रत खोल देंगे फिर खाना वहाँ पे खाएंगे। खाना तो ऐसे मतलब बना हुआ है यहाँ पे, पर देखते हैं अभी तो बन ही रहा है अभी तो। यहाँ पे है थोड़े से तल, इसमें मैं ऊपर से धनिया डाल दूंगी, क्योंकि और कुछ तो यूज़ करना नहीं है। इसमें मैं बनाऊंगी ये हरी सब्जी थोड़ी सी, थोड़ा सा हलवा बनाऊंगी। और ये कद्दू था, इसका हम रायता बनाने वाले थे, बट अब हम सोच रहे हैं इसका ना दिन में वो बनाएंगे, कल दिन में बनाएंगे मतलब। अभी बनाते हैं गाइस हरी सब्जी। सो गाइस अभी हमारा खाना वगैरह भी बन गया है, और हमने फास्ट खोल दिया है। खाना हम आंटी के घर पे खाएंगे, मतलब दो जनों के लिए तो खाना मैंने उसे यहाँ पे बना रखा है। और अभी मैं जा रही हूँ तथा मैं, अगर टाइम मिलेगा तो वीडियो बनाऊंगी, नहीं मिलेगा तो यहीं पे एंड करेंगे। अगले बर्थडे में लाना है चॉकलेट का फोड़ने के लिए। सो गाइस यहाँ पे सब बैठ गए हैं, यहाँ पे देखो अच्छे से बैठ के हम खाना खाएंगे, और बैठूंगे भी अपनी देवरानी के साथ। और सब यहाँ से बांटने वाले, देखो तो अच्छा है, खुला आसमान के नीचे हम खाना खाएंगे गाइस। कद्दू सबसे मिला मिला कद्दू। आए देखो पंगेत बैठ गई है पूरी लंबी सी। ये मेरी देवरानी, हेलो बोल, हेलो बोल।